Hello everyone, this is Vaishali Sharma and I welcome you to my YouTube channel Learn to Grow Plant, Veggies and Trees. So today we're gonna talk about this plant. This is the type of philodendron and its name is philodendron birkin. Okay, so आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, as you can see the pattern, the beautiful pattern on the leaves of this plant. So this plant is really a low maintenance plant. This plant doesn't require much care. You don't need to water it every day. You don't need to, you know, add fertilizer every 2-3 weeks. Once in a month is more than enough for it. This plant almost died because of my negligence. Do remember one thing, that some plants need much more care, some need minimum. But care to sabhi ko chahiye, right? So as you can see that its leaves are turning yellow. और कुछ तो इसमें ड्राई होके गिर भी चुकी हैं. तो कभी भी किसी प्लांट को नेगलेक्ट ना करें. यदि इसको मिनिमम केयर है फिर भी उसको वंस इन अ मंथ आप ज़रूर देखें. जब से मैंने इसको नर्सरी से लेकर आई हूँ मैंने इसको एक बार भी बीच में ध्यान नहीं दिया है. एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 months जब से मैं इसको नर्सरी से लेकर आई हूँ, तब ऑलमोस्ट 3 months हो चुके हैं. तो लेट्स जस्ट सेव दिस प्लांट. सबसे पहले हम इसकी सारी येलो लीव्स को हटा देंगे और इसकी जितनी भी ड्राई लीव्स है, जितनी भी इसकी सारी ड्राई लीव्स है, सबसे पहले हम उसको रिमूव कर देते हैं ताकि इनकी रूट्स को सांस लेने के लिए जगह मिल जाए. ये जो है इसकी एरियल रूट्स है, दीज आर इट्स एरियल रूट्स. तो जितनी भी ड्राइड लीव्स हमको हटा देना है और ड्राइड एरियल रूट्स को भी हटा देना है. उसके बाद आपको, उसके बाद हम सारी इसकी येलो लीव्स को हटा देंगे. इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी गुड़ाई कर देंगे. गुड़ाई मतलब उसकी मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे जिससे कि इसकी जो रूट्स हैं अंदर उनको थोड़ा सा फ्रेश एयर मिले, अच्छे से सांस ले सके वो. वैसे तो इंडोर प्लांट्स की हमें गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनका सॉइल मिक्सचर ही हम कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि वो सॉइल बहुत ज़्यादा ब्रीदेबल होती है, उसमें रूट्स ईजीली सांस ले पाती हैं. लेकिन क्योंकि मेरे इस प्लांट में जो सॉइल मिक्सचर है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है इसलिए मैं इसकी गुड़ाई कर रही हूँ. आप भी अपने प्लांट्स की गुड़ाई महीने में 2 बार ज़रूर करें. इसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं ये ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ एनहेंसर. ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है. तो आप इसको अपने प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए डायरेक्टली यदि आप ऐड कर रहे हैं तो 3-4 बूंदे ऐड कर सकते हैं अपने प्लांट के. चैनल लर्न टू ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग.